हेलो गायजी, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितु इंसा। गायजी, आज मैं आपको सिंपल कुर्ती कटिंग बताऊंगी बहुत ही इजी वे में। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप किसी भी साइज़ की कुर्ती कट कर सकते हो। तो ये हमने सबसे पहले फैब्रिक को बिछा लिया है। ये हमने डबल तह में बिछाया था। इसकी जो हम हिप है उसके हिसाब से ही कपड़े की चौड़ाई रखते हैं। तो हमने इसकी हिप 9.5 इंच जैसे की तैयार है, तो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। 1.5 या 2 हम जितना मर्जी चाहें ले सकते हैं। तो मैंने इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और ये टोटल 11 इंच हो गया। तो हमने 11 इंच पर सब जगह निशान लगा लेना है और पूरे को मार्किंग किए हुए निशान को स्ट्रेट कर देना है। अगर हमारी कुर्ती का कपड़ा एक्स्ट्रा होता तो हम इधर से निशान लगाते 11 पर और हमारा जो कपड़ा होता वो निकल जाता, इससे हमारा फैब्रिक ख़राब नहीं होता। तो हमने ये निशान लगा लिए थे। अब हम लेंथ का माप लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से लेंथ लेंगे। हमने ऊपर निशान लगा लेना है, उसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.5 पर और फिर कमर का 14 और 21 और फिर जितनी हमने लेंथ तैयार रखनी है उतना हम निशान लगाएंगे। इसकी लेंथ हमने 36 इंच तैयार रखनी है तो 36 इंच पर हम निशान लगा देंगे और 2.5 इंच नीचे एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से हमने सारे निशान कंप्लीट कर लेने हैं और उसके बाद हम सभी निशानों को स्ट्रेट कर देंगे कुछ इस तरह से। हमने सारे निशानों को सीधा कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने सारे निशान सीधा कर लिए हैं। अब हम इसकी फिटिंग और आर्म होल के हिसाब से माप लेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी जो जैसे कि हम तीरा और फिर उसके बाद मोढ़े का निशान और कमर का और हिप का निशान लेते हैं, वो हम हाइट के अकॉर्डिंग भी लेते हैं। जैसे कि हमने 6.5 पे 14 पे और 21 पे जो निशान लिए थे वो हम हाइट के अकॉर्डिंग लेते हैं। ये नॉर्मल निशान है, लेकिन अगर हमारे कस्टमर की हाइट ज़्यादा है तो हम उस हिसाब से कम ये निशान ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हमने जो हमारा तीरा है वो लेना है, हमने यहाँ पर 6.25 इंच लिया है। ये हमें बैक नेक के हिसाब से लेते हैं। तो हमने 6.25 लिया है। हमने इसका बैक नेक 7.5 इंच तैयार रखा है। वैसे टोटल इसका तीरा 14 इंच का है, तो उस हिसाब से हमने नेक के हिसाब से इसको कम कर लिया है। अब हम इसका 6.5 ही नीचे निशान लगाएंगे जितना हमने नीचे लगा था। और अब अंदर की तरफ 0.5 इंच निशान लेंगे, इसको स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद हम जो हमारी ब्रेस्ट है उसका निशान लगाएंगे। ब्रेस्ट का निशान हम इस हिसाब से लगाते हैं, जैसे हमने टोटल ब्रेस्ट जितनी भी रखनी होती है उसमें हम 4 इंच प्लस करते हैं। जैसे कि हमारी 32 है तो उसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे तो वो हो गई हमारी 36 और उसको हम फिर 4 से डिवाइड करते हैं तो उसका हम जो डिवाइड होने के बाद आता है वो हम लेते हैं। जैसे कि हमारा 4 इंच से 4 से डिवाइड होने के बाद 9 आ जाएगा तो हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने एक आपको मेथड बताया है कि हम ब्रेस्ट में 4 इंच प्लस करते हैं और उसको 4 से फिर डिवाइड करते हैं, उस हिसाब से हम ये निशान लेंगे। फिर हम कमर का जो निशान लेते हैं उसमें हम कुछ भी प्लस नहीं करते, हम जब माप लेते हैं उसी हिसाब से उसको माप लेते हैं कि हमें कितना लूज रखना है और कितना टाइट रखना है। तो अगर हम इस तरह से माप लेंगे तो हमारी फिटिंग बहुत अच्छी से आएगी। तो ये हमने कमर का निशान लगा देना है। उसके बाद हम हिप का निशान लेंगे। हिप का निशान भी हमें जितना हमें तैयार रखना होता है उतना ही लेते हैं, उसमें भी हमें कुछ भी प्लस नहीं करते। वैसे सबका अलग अलग तरीका होता है, वो इस हिप और कमर में भी प्लस करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ओनली जो ब्रेस्ट होती है उसमें प्लस करती हूँ और बाकी है जो जितना भी माप में लेती हूँ उतना ही तैयार रखती हूँ। अब हमें जो
हमारा जो अंडरआर्म्स में झोल पड़ता है तो उसके लिए हमें अलग से माप लेना होता है। तो ये हमारा 1 या 1.5 इंच कम है यहाँ से, तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये सभी का कम या ज़्यादा होता है, किसी का बराबर भी होता है, लेकिन हमें ये माप ज़रूर लेना होता है। और जब हम और ये हमने 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख लेना है फिटिंग से एक्स्ट्रा। अब हमें इन निशानों को सीधा स्ट्रेट कर देंगे। ये हमने सारे निशान स्ट्रेट कर लिए हैं। जब हम ये हमने जो आर्महोल के नीचे निशान लिया था तो इसको हम लगाने के लिए सीधे इसकी जो प्लेट मार्क होता है वहाँ से मापेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से मिला देंगे। जब हम फिटिंग लगाएंगे तो ये अंदर की तरफ जो हमारा निशान है उसके ऊपर से फिटिंग लगाएंगे, हमें बाहर की तरफ से फिटिंग नहीं लगानी। ये अगर इस तरीके से हम फिटिंग लगाते हैं तो एकदम परफेक्ट फिटिंग बैठती है। अब हम हमारा जो मोटा है उसका निशान लगाएंगे। ये हमने जो लाइन 6-6 इंच की लगाई थी इसको सीधा स्ट्रेट कर लेना है। अब हमने जो 1/2 और 1/4 इंच अंदर की तरफ लेना होता है जो, उसको भी लाइन खींच लेनी है। अब हम इसकी हल्की सी राउंड शेप देंगे आर्म होल की इस तरह से। ये हमने फ्रंट हिस्से पर आर्म होल का शेप देकर निशान लगा लिया है। अब हम बाहर की तरफ भी 1/2 और 1/4 इंच लेंगे जहाँ से हमने 6 इंच का निशान लगाया था उससे आगे, और इस पर भी हम एक लाइन खींच देंगे। अब हल्की सी राउंड शेप देंगे। ये हमारा बैक हिस्से के लिए है, वो पहले वाले निशान हमारे फ्रंट हिस्से के थे और ये हमारे बैक हिस्से के हैं। अब हम इसको कट करेंगे। उससे पहले हमें जो हमारे नेक की है उसकी ब्रॉडनेस देखेंगे। हमने जितनी नेक की ब्रॉडनेस लेनी है उतने पर हम निशान लगाएंगे और हमारा शोल्डर का 1/2 इंच झुकाव कर देंगे आगे की तरफ। ये हमने 1/2 इंच लिया और इसका आगे की तरफ झुकाव कर दिया। इससे भी फिटिंग परफेक्ट बैठती है। अब हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। हमने हमारा फ्रंट हिस्सा कट करना है, बैक हिस्सा हम बाद में बिछाएंगे और तब उसको कट करेंगे। ये हमने हमारा फ्रंट हिस्सा कट कर लिया है। ये हमने बैक हिस्से को काटने के लिए हमने फैब्रिक को बिछा दिया है और जो हमारा फ्रंट हिस्सा था उसको बैक के हिस्से के ऊपर रखना है और सेम उसी तरह से हमें कट कर लेंगे। हमने ये जो सीधी लाइन है इसको सेम कट कर लेना है, बस बैक हिस्से में ऊपर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और जो आर्म होल है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है और बाकी सेम एक जैसा कटेगा। लेकिन इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा बैक हिस्सा है वो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं, इससे हमारा जो फ्रंट हिस्सा है नेक है जो हमारा वो बैक में नहीं जाता। ये जो हम शोल्डर लेते हैं और जो ये बैक हिस्सा ज़्यादा लेते हैं ये सब हम नेक, जो हमारा बैक नेक होता है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। ना अगर हमारा बैक नेक छोटा होगा उतना ही हम बैक से हिस्सा बड़ा लेंगे। अगर हमारा नेक जितना बड़ा होगा हम इसको जो हमारा शोल्डर वाला हिस्सा है इसको बराबर भी ले सकते हैं, तब हम बड़ा नहीं कट करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसका हमें खास ख्याल रखना है। यहाँ हम कट लगा लेंगे छोटे छोटे। ये कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारा सूट टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होता। जब हम फिटिंग लगाते हैं तो हमें कट से कट मिलाकर फिटिंग लगानी चाहिए ताकि हमारा सूट है जो उसमें रेब ना आए। कई बार शिकायत भी आती है कि हमारा सूट टेढ़ा चला जाता है, वो सिर्फ इसी कमी की वजह से जाता है। हमें हमेशा ये कट ज़रूर लगानी चाहिए हमारी कुर्ती में। ये हमने सूट कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव कटिंग बताएंगे आपको। ये हमने फैब्रिक को बिछा लिया है। हमने स्लीव की कटिंग 4 इंच तैयार रखनी है, तो हम 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए लेंगे जो हमने मोरी पर फोल्ड करना है और 4 इंच
तैयार लेंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा ऊपर जो जोड़ में आएगा वो लेंगे। तो हमने 4.5 इंच ऊपर ले लेना है, इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे, नीचे वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर देंगे। अब हम मोरी का निशान लगाएंगे, हमने जितनी मोरी तैयार रखनी है उतना लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। उसके बाद जो हमारा आर्मोल वाला हिस्सा है, हम स्लीव जो हमारी पोनी या पूरी होती है उसमें हम 3-3.5 इंच झुकाव लेते हैं, लेकिन ये हमारी हाफ स्लीव है तो इसमें हम हल्का सा कम लेंगे। तो ये हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया है, जितनी हमारी स्लीव छोटी होगी उतना ही हम ये कट झुकाव कम कर देंगे। अब हमें जो हमने आर्म होल लिया था वो 6.5 इंच लिया था, तो उस हिसाब से हम इसका माप लेते हैं। 6.5 हमने आर्म होल लिया है तो उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर हम ये निशान लगा देंगे। ये निशान हमें नीचे वाले निशान पर लेना है, जैसे कि 6.5 हमने आर्म होल का निशान लिया था, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर ये निशान हमने लगा दिया है। अब 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और ये जब हमने 2.5 इंच यहाँ लिया है तो 2.5 इंच हम ऊपर की तरफ लेंगे जहाँ हमारा बंदीसा होता है, और इस 2.5 इंच के साथ 2.5 को हम मिला देंगे। ये एकदम परफेक्ट तरीका है स्लीव कट करने का। अब हम इन निशानों को भी स्ट्रेट कर देंगे और नीचे की तरफ टेढ़े निशान करेंगे ताकि जब हम फिटिंग लगाएं तो अच्छे से फिनिशिंग से हमारा फिटिंग इसकी स्लीव की लग जाए। ये हमने स्लीव कट कर ली है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारी स्लीव कट हो चुकी है, अब हम इसकी फ्रंट हिस्से की छटाई करेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है, इसको हम ओपन करके जो हमारे फ्रंट के दो हिस्से होते हैं सिर्फ उन्हीं की हमने छटाई करनी होती है। ये हमने छटाई इसकी कर ली है और इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो फ्रेंड्स, हमारी कुर्ती और जो स्लीव है वो कट हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।